हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएन में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक नई वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। देखिए विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की है, बाल संरक्षण तथा बाल कल्याण सेवा चंपावत ने यहाँ पे ये चीज आपकी दी हुई है। देखिए कब तक का इसका लास्ट डेट है, पूरी जानकारी मिलेगी। देखिये यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन और यहाँ पे ट्वेल्थ बेस पे ये वैकेंसी आई हुई है। बात करेंगे टोटल यहाँ पे वैकेंसी, देखते हैं चार वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है टोटल, और ये आपका आउटसोर्स द्वारा भरी जाने वाली वैकेंसी है, मतलब आपकी संविदा बेस की वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी है, 27,804 से यहाँ पे देखिए 18,536 और 18,536 और 13,240 यहाँ पे ट्वेल्थ बेस पे सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कैसे इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे इसको आपको भेजना है। पूरा ऑफलाइन फॉर्म है, पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पे आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कब तक इसकी लास्ट डेट है। देखिए 22/12/2022 शाम को 4 बजे से पहले ये आपका वहां पे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। क्या क्या इसमें आपको भेजना है, देखिए यहाँ पे आपका जनपद चंपावत है तो निम्न पदों के लिए मासिक मानदेय आधार पर आवश्यकता इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पे 22/12/2022 को 4 बजे से पहले आपको भेजना है सत्यापित प्रति। आपको देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल जो चाहिए है वो आपको भरना है, वहां पे संकलन करना है। और यहाँ पे कहाँ भेजना है, देखिए ये पूरा आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन चंपावत के कार्यालय के नाम पे आपको ये भेज देना है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लिफाफा भेजना है, एक एक्स्ट्रा लिफाफा, उसमें आपको क्या करना है 22 रुपए का डाक टिकट लगा हो तो उसमें डाक टिकट आपको लगाना है 22 रुपए का, और उसमें अपना वर्तमान पता आपको लिख के भेजना है। तो इसी में आपका या तो एडमिट कार्ड आएगा या फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो यही चीज इसमें आपको आने वाली है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा नहीं है कि किस बेस पे आपकी ये वैकेंसी ली जाएगी, जहां तक लगता है यहाँ पे आपका इंटरव्यू बेस पे ये वैकेंसी ली जा सकती है या फिर आपका परसेंटेज के बेस पे भी ये वैकेंसी आपकी फुलफिल कराई जा सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। एक वैकेंसी है इसमें आपकी 27,804, इसमें आपको मासिक पेमेंट मिलने वाली है। साथ ही आपका एज ग्रुप की बात करें तो 30 से 45 साल वाले इसको आपको भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट देखिए यहाँ पे आपका सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, और यहाँ पे आपका देखिए इतनी चीजें लॉ में भी यहाँ पे आपका मांगा गया है। तो जो लोग इसमें बैठ रहे हैं तो इसको आराम से भर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं काउंसलर की, यहाँ पे आई हुई है सैलरी सेम है, यहाँ पे देखिए आपका 18,536 यहाँ पे सैलरी आपका, और एक वैकेंसी यहाँ पे है 25 से 45 वर्ष के, इसको आप भर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पे दिया हुआ है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में, ये चीज आपको देख लेनी है सेम हुई है। और यहाँ पे अगर आपका और चीजें भी यहाँ पे पीजी डिप्लोमा है तो वो भी इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद सोशल वर्कर में आई हुई है आपकी वैकेंसी यहाँ पे, ये भी एक वैकेंसी है 18,536, इसमें भी आपका पेमेंट रहने वाला है 25 से 40 वर्ष इसमें आपकी आयु रहनी चाहिए, आउटसोर्स द्वारा भरा जाएगा। सेम चीज है बीए यहाँ पे आपका सोशल वर्क में, इसमें भी आपका मांगा गया है, या फिर आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए, इससे भी आपका भर सकते हैं। चौथी वैकेंसी यहाँ पे आई है, देखिए ट्वेल्थ बेस के लिए ये वैकेंसी है असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे एक वैकेंसी इसकी भी आपकी आई हुई है। 13,240 यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, 20 से 25 उम्र वाले इसको आप भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्वेल्थ पास यहाँ पे आपसे मांगा गया है, और साथ ही यहाँ पे आपसे देखिए सर्टिफिकेट मांगा है यहाँ पे आपका कंप्यूटर का। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपको इस डेट में 22 से पहले इसको आपको भेज देना है, वहां पे पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद फिर अगर किसी का पहुंचता है तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। भरना कैसे फॉर्म आपको, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है, अपना नाम लिखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पद का नाम लिखना है, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, जन्मतिथि आपको अंकों में लिखनी है, फिर यहाँ पे शब्दों में लिखनी है। उसके बाद बात करें 1/7/2022 को आपकी आयु कितनी हो जाएगी वो लिखना है, स्थायी पता लिखना है, पत्राचार का पता लिखना है, ये पता वो पता आपको लिखना है जहां पे आपका एडमिट कार्ड या फिर ज्वाइनिंग लेटर आसानी से मिल सके, ऐसा आपको यहाँ पे पत्राचार का पता लिखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपना लगाना है कौन सा है, और उसका नंबर भी आप लिख दें, विवाहित है अविवाहित है, लिंग महिला या पुरुष आपके यहाँ पे, जाति आपको अपनी लिखनी है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, दिव्यांग हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लिखना है, शैक्षिक योग्यता आपको यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आपकी कौन सी लास्ट शैक्षिक योग्यता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पूरा इसको फुलफिल करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, हाई स्कूल का लिखना है, बोर्ड कौन सा है, विषय कौन सा है, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको ये लिख देने, ऐसे इंटर का, स्नातक का, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर और पूरा नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, साथ ही अगर हो सके तो यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इससे पहले और भी एक संविदा की वैकेंसी के लिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। फिर मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।